आ गया हूँ, आ गया हूँ। हो कहाँ पे? अंदर हो, एंटर हो रहा हूँ। अच्छा जल्दी आओ। और याद है ना जो मैंने समझाया था? कौन सी बात याद? जो मैंने समझाया था। अच्छा, वो बात। अरे तुम टेंशन मत लो बेबी, आजकल मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करता हूँ। तुम्हारे भाइयों के सामने तो और तुम्हारे पापा के सामने मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा। तुम्हारे पापा जितनी मर्जी फनी राइडेंस पूछ ले, जोक सुना दे, मैं नहीं हंसूंगा। पक्का? पक्का पक्का, आ रहा हूँ। ओके जल्दी आओ। हेली पूछूंगा बेटा, सबसे पहले देखो बेटा एक क्या होता है कि हेलीकॉप्टर होता है, सारा सुनना है। एक हेलीकॉप्टर होता है, उसके अंदर आप हो, स्मृति बेटा है, और स्मृति का जितना वेट है ना उसी वेट का फ्रिज पड़ा। अब क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर है ना वो ओवरलोड हो जाता है, ठीक है बेटा। हेलीकॉप्टर अब ओवरलोड हो जाता है, सैम बेटा आपने क्या करना है, एक चीज गिरानी है ऊपर से। आप किसको फेंकेंगे? स्मृति को फेंकेंगे या उसका जो वेट का जो फ्रिज पड़ा उसको नीचे फेंकेंगे, बताएं जी। अंकल ऑब्वियस सी बात है, मैं स्मृति को क्यों गिराऊंगा, स्मृति तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मैं फ्रिज को ही गिराऊंगा। वाह वाह, सोना ते पतंदरा तू खास कोई ना, वे गल्ला मिठियां दी पत्ती होईयां। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, ये तो मैं टेस्ट ले रहा था ना। अब सही पहेली अब है, ठीक है। एक बंदा था, सुनो बेटा जी, एक बंदा था वो चल रहा, चलते चलते मर गया था। वो क्या? अंकल उसको हार्ट अटैक आ गया होगा। नो बेटा, नो नो नो, हार्ट अटैक नहीं। अच्छा कोई एक्सीडेंट हो गया होगा उसका? हाँ एक्सीडेंट हो गया होगा ना, वो किसी गाड़ी के नीचे भी नहीं आया। नो, एक बंदा है वो चल रहा है और चलते चलते मर गया। उसको पता नहीं अंकल, सॉरी मुझे नहीं पता। और सैम बेटा जो तुमने ऊपर से फ्रिज गिराया उसके सर पे पड़ा वो। मुटियारा तो बचना, मैं उस नाल ना गल नसना।